यूपी के कानपुर में हुई कारोबारी के बेटे कुशाग्र कनोडिया की हत्या के बाद पूरा परिवार अस्त व्यस्त है। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं। आखिर कुशाग्र जिस टीचर को पढ़ाई करने के लिए उसके परिवार वालों ने हटा दिया था, उसके पास क्यों जाता था, और आखिर वो कल की तारीख में क्यों गया, और आखिर उस टीचर ने ऐसा क्या कनोडिया में देखा था कि जिसके बाद न सिर्फ उसे बुलाती थी बल्कि बुलाकर उसका काम तमाम तक कर दिया। दरअसल कपड़ा व्यापारी मनीष कनोडिया अपने परिवार के साथ आर्यनगर स्थित श्री भगवती विला में रहते हैं। मूल रूप से उनका परिवार पटकापुर का रहने वाला है और तकरीबन 10 साल पहले वो यहाँ आए और यहीं बस गए, यहीं व्यवसाय करने लगे। 4 मंजिला इस अपार्टमेंट में उदय नारायण कभी गार्ड हुआ करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने ये जिम्मेदारी संभाली, जिसका नाम राजेंद्र कुमार है। राजेंद्र कुमार गार्ड की नौकरी करते थे। कारोबारी बेटे की हत्याकांड का पर्दाफाश राजेंद्र की एक बहुत ही चतुराई से ही और उसकी सजगता से ही खुलासा हो सका है। दरअसल राजेंद्र ने यह बताया है कि 8:30 और 9 बजे के बीच में 2 नकाबपोश और हेलमेट लगाए हुए एक युवक पहुंचा। नकाबपोशों ने राजेंद्र से कहा कि ये पत्र मनीष कनोडिया ने दिया है और उसके घर वालों को दे दो। राजेंद्र ने शक होने पर उस युवक से कहा कि वो हेलमेट और नकाब उतार कर जाए और खुद लिफाफा देकर आए। रात होने की वजह से वो युवक का चेहरा नहीं देख सका और न ही पहचान सका। उसे शक हो रहा था तो उसने स्कूटी का नंबर देखा तो आगे की तरफ कालिख लगाकर नंबर को ढक दिया गया था, जबकि पीछे वाली नंबर प्लेट पर कपड़ा बंधा हुआ था। गार्ड को शक हुआ तो उसने कपड़ा हटाकर देखा और नंबर नोट कर लिया। तब तक गार्ड को कुशाग्र के साथ हुई अनहोनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही अपहरण की, ना ही उसकी हत्या की। इसीलिए वो ये इतना काम कर सका और चुप रहा। जब फिरौती का पत्र मिलने की उसे जानकारी मिली और घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को लगी और पुलिस घर आने लगी, तब उसने ये सारी बात पुलिस को बता दी। साथ ही ये भी बताया कि उसने जो नंबर नोट किया था वो कुशाग्र को ट्यूशन पढ़ाने आने वाली शिक्षिका यानी रचिता की स्कूटी से मिलता जुलता था। यही नहीं, दोनों स्कूटियों का रंग भी तकरीबन एक जैसा था, यानी एक ही था, या यूं कहें। इस सूचना के बाद पुलिस रचिता और उसके बॉयफ्रेंड प्रभाष शुक्ला तक पहुंची और दोनों से पूछताछ के बाद कुशाग्र की हत्या का राज खुल गया। दरअसल पुलिस ने बताया कि सोमवार को कुशाग्र शाम को तकरीबन 4 बजे कोचिंग के लिए निकला। रास्ते में ही उसे रचिता का बॉयफ्रेंड प्रभात मिल गया। पुलिस के मुताबिक प्रभात ने कुशाग्र को रोका और कहा, मुझे रामबाग तक छोड़ दो। कुशाग्र जब रामबाग पहुंचा तो प्रभात घर के पास से उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाने के बहाने घर ले गया। उसके बाद प्रभात ने रचिता और शिवा के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर में ही छिपा दिया था और आरोपियों का तो प्लान ये भी था कि वो पैसे लेकर वहाँ से हिमाचल भाग जाएंगे और शव को ठिकाने लगा देंगे, यानी वो पैसा भी ले लेंगे और बच्चा भी नहीं देंगे। इसके बाद पुलिस को भटकाने के लिए ही उन्होंने मिलकर उस पत्र को, जिसकी वजह से राजेंद्र को उस पर शक हुआ, वो लेटर लेकर उसको लेकर उसके घर फेंकने के लिए मजबूर हुए और वहाँ जाकर फेंक दिया। और इसी लेटर में उसमें लिखा हुआ था, अल्लाह अकबर, आपके बेटा, अगर आपको सुरक्षित चाहिए तो 30 लाख रुपए दे दो, नहीं तो हम आपका नुकसान तो नहीं चाहते लेकिन नुकसान करना पड़ेगा। पुलिस ने बाकायदा आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हैंडराइटिंग तक मिलवा ली है और कुशाग्र के घर में जो पत्र भेजा था उसकी फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।